और ये जी रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग स्टार्ट है अब। तो हमने ये किया था, एलईडीज वाला ही चेक कर रहे थे, तो इसको खोल लेते हैं। अच्छा, ये तो हमने कर चुके थे, वो दूसरा था। क्लॉक वाला था। तो इसको हमने चेक किया था, हमने ये नॉप का लगाया था, ये वाला फंक्शन इसमें फॉर लूप के अंदर। तो डिबग मोड के अंदर जो है ये आपका जो है ना, ये आपको आउटपुट दे रहा था एलईडीज की। तो इसको हम दोबारा देख लेते हैं डिबग के अंदर चला के, और कार्गो रन करके। अच्छा, वो हमने चलाया नहीं है ना, वो क्या बोलते हैं उसको, वाला ये तो इसमें जो है ये देखें, अब ये जो है ना, ये इसने ले लिया था, आपको नजर आ रही है वीडियो। तो ये अपना डिबग मोड में जो जी है इसको पिक कर लिया था, ठीक है। जब हमने यहाँ पे नॉब नॉब का फंक्शन दिया ना, ऑक्स 9 नॉब का, तो डिबग वाले ने तो इसको पिक कर लिया। लेकिन जब हम इसको चलाते हैं उसके अंदर रिलीज में, तो रिलीज के अंदर जो है ना, ये मुसलसल यानी कि एलईडी जो है ना आपकी ग्लो हो रही थी। ये देखें, अब ये जो है उस तरीके से हमें ऑप्शन आउटपुट नहीं दे रहा जिस तरह हमें डिजायर्ड थी, ठीक है। तो इसकी अब वजह क्या है, यहाँ पे हम इसको एक्सप्लोर कर लेते हैं। हमारे तो जब हमने यहाँ से ये आपके तो हमने क्या किया था, यहाँ से ये नॉब का फंक्शन कॉपी करके उसमें लगाया था। तो उस पे डिबग मोड पे तो चल गया, लेकिन जो है डिबग मोड पे उसने आपका डिले ले लिया है, ठीक है। यानी कि ये जो लूप का डिले है मिली सेकेंड यहाँ से आ रहे हैं, लेकिन जो है उसके ऊपर नहीं चला ये कंपाइल के ऊपर। अब इसने पूछा है कि नाउ टेस्ट दिस, कंपाइल द प्रोग्राम इन डिबग मोड एंड रन इट, देन कंपाइल द प्रोग्राम इन रिलीज मोड देन एंड रन इट, व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन देम। अब डिफरेंस आपके सामने है कि डिबग मोड के अंदर जो है वो डिले को ले रहा है, लेकिन उसके अंदर नहीं ले रहा रिलीज मोड के अंदर। अब इसका जो है वो कहता है कि व्हाट डू यू थिंक इज द मेन कॉज ऑफ द डिफरेंस। अब इसकी कॉज क्या है, कैन यू थिंक अ वे टू मेक देम इक्वलेंट और एटलीस्ट मोर सिमिलर अगेन। तो इसका जो है इसका अब कॉज क्या हो सकती है, ये अब मैंने नहीं सोची। कोई अगर इसमें आउट इनपुट दे सके, इसकी कॉज क्या है, कोई कोई साथी जिसको इसका पता हो, आइडिया हो।
अगर किसी ने पहले पढ़ा है तो, वरना हम आगे जाते हैं शायद इसकी कॉज हमें आगे पता चल जाए। तो आगे चलते हैं फिर। अब है कि आई होप दैट बाय नाउ आई हैव कन्विंस्ड यू दैट फॉर लूप डिलेज आर पुअर वे टू इम्प्लीमेंट डिलेज। अब दैट मीन्स कि आपके डिलेज जो हैं रिलीज मोड में आपके ये पिक ही नहीं कर रहा है फॉर लूप को ना, चाहे आपने जो है नॉप फंक्शन भी लगा दिया है। नॉप फंक्शन मतलब है कि नो ऑपरेशन। नो ऑपरेशन का मतलब है कि जो LLVM है ना, जो आपका जो कंपाइलर है, वो अगर हम नॉप लगाएंगे तो नॉप को जो है इम्पोर्टेंस देगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे नॉप फंक्शन को भी उसने इम्पोर्टेंस यानी कि उसके साथ अटैच नहीं की इम्पोर्टेंस, उसको अहमियत ही नहीं दी, और आपके सामने जो LEDs हैं वो कंटिन्यूसली ग्लो किए जा रहे हैं। अब नाउ वी विल इम्प्लीमेंट डिलेज यूजिंग हार्डवेयर टाइमर। द बेसिक फंक्शन ऑफ द हार्डवेयर टाइमर इज टू कीप प्रिसाइज ट्रैक ऑफ टाइम। अ टाइमर इज येट अनदर पेरेफरल दैट इज अवेलेबल टू द माइक्रो कंट्रोलर। तो ये टाइमर भी है आपका एक पेरेफरल है जो कि आप माइक्रो कंट्रोलर के साथ आपके अटैच है। दस इट कैन बी कंट्रोल्ड यूजिंग द रजिस्टर्स। तो इसमें जो है द माइक्रो कंट्रोलर वी आर यूजिंग हैज सेवरल टाइमर्स, मोर देन 10 टाइमर्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स, बेसिक जनरल पर्पस एंड एडवांस टाइमर्स अवेलेबल टू इट। सम टाइमर्स हैव मोर रेजोल्यूशन नंबर ऑफ बिट्स देन अदर्स एंड सम कैन बी यूज्ड फॉर मोर देन जस्ट कीपिंग ट्रैक ऑफ टाइम। तो किसी का मकसद जो है बिट्स को यानी कि बिट्स को जो है वो मॉनिटर करना है, और किसी को जो है किसी का मकसद जो है वो उस और है। वी विल बी यूजिंग वन ऑफ द बेसिक टाइमर्स TIM6। TIM6 को हमने यूज करके जो है ना उसको हमने कैलकुलेट करना है। दिस इज वन ऑफ द सिंपलेस्ट टाइमर्स अवेलेबल इन आवर माइक्रो कंट्रोलर। द डॉक्यूमेंटेशन फॉर द बेसिक टाइमर इज शोन इन द सेक्शन। तो ये हम इसको देखेंगे पेज 670 के ऊपर जो है TIM6 को हम स्टडी करेंगे। 670 और पे तकरीबन सारे टाइमर्स हैं, और ये जो है पेज नंबर 670। 682 पे है TIM6। अच्छा जी, तो ये TIM6, TIM7 और ये दूसरे भी टाइमर दिए हुए हैं, तो वो बता रहा है कि बहुत सारे टाइमर हैं। TIM6, TIM7, तो इट्स रजिस्टर्स आर इन डॉक्यूमेंटेड इन 2 682। उसके रजिस्टर्स जो हैं उधर हैं, तो हम देख लेते हैं उसके रजिस्टर्स। ये है आपका TIM6 और TIM7 के रजिस्टर मैप। इसमें हम देखते हैं कि हमने ये कौन सा रजिस्टर टारगेट करना है। द रजिस्टर विल बी यूजिंग इन दिस सेक्शन आर SR, EGR, CNT, PSE, ARR। तो ये वाले रजिस्टर्स हैं जो हमने यूज़ करने हैं इस टाइमर को इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो विल बी यूजिंग द टाइमर एज वन शॉट टाइमर। इट विल सॉर्ट ऑफ वर्क लाइक एन अलार्म क्लॉक। वी विल सेट द टाइमर टू गो ऑफ आफ्टर सम अमाउंट ऑफ टाइम एंड देन वी विल वेट अंटिल द टाइमर गोज ऑफ। पहले हम उसको सेट कर देंगे और उसके बाद हम यानी कि वेट करेंगे जब टाइमर ऑफ हो जाएगा। द डॉक्यूमेंटेशन रेफर्स टू दिस मोड ऑफ ऑपरेशन एज द वन पल्स मोड। तो इसको हम वन पल्स मोड कहते हैं। हेयर इज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ हाउ बेसिक टाइमर वर्क्स व्हेन कॉन्फिगर्ड इन वन पल्स मोड। हमने क्या करना है कि CR1.CEN, अब हम यहाँ देखते हैं कि CR1.CEN क्या है। ये CR1 है, ये CR1 है, और इसका जो ये CEN जो है ये आपकी बिट, ठीक है, इसको हमने सेट करना है। ठीक है,
काउंटर इज एनेबल्ड बाय यूजर सी आर वन डॉट सी ई एन इज इक्वल टू वन. तो दैट मीन्स कि आपका काउंटर स्टार्ट हो गया यहाँ पे ना, जो कि आप स्टार्ट जैसे अलार्म क्लॉक या एक स्टॉप वॉच आप चलाते हैं उस तरीके से एक काउंटर स्टार्ट हो जाए. द सी एन टी रजिस्टर रीसेट इट्स वैल्यू टू ज़ीरो एंड ऑन ईच टिक इट्स वैल्यू गेट्स इंक्रीमेंटेड बाय वन. तो हर टिक के ऊपर जो है इसकी वैल्यू जो है एक बढ़ जाएगी सी एन टी रजिस्टर की. The once the CNT register has reached the value of ARR register, तो the auto reload register इसकी जो value के equal हो जाएगा तो the counter will be disabled by hardware. CR1.CEN equal to zero हो जाएगा and an update event will be raised. Status register के ऊपर जो है status आपका जो status register है status register के ऊपर आपका जो है वो SR डॉट यू आई एफ SR डॉट यू आई एफ जो है वो उसको बंद कर देगा. तो इसमें जो है यानी सबसे इम्पोर्टेंट जो है आपका CR1 है पहले. अब CR1 को हम काउंटर रजिस्टर कहते हैं और यानी सी ई एन से हो गया काउंटर एनेबल. तो यानी कि आपने काउंटर एनेबल कर दिया सी आर वन रजिस्टर का सी ई एन जो बीट है आपने वन कर दी. उसके बाद जब ये वन होगी तो आपका जो है ना जब आपने ये आपने वन की तो सी एन टी रजिस्टर जो है आप उसकी वैल्यू ज़ीरो हो गई. और उसके बाद हर टिक के ऊपर जो है उसकी वैल्यू एक एक बढ़ती चली जाती है सी एन टी रजिस्टर की. जब हमने CR1.CEN को वन किया है उसके बाद जो CNT रजिस्टर है उसकी वैल्यू बढ़ना शुरू हो जाती है यानी ज़ीरो से स्टार्ट होके आगे फिर हर टिक के ऊपर उसकी जो है हर क्लॉक के ऊपर टिक का मतलब जो है हर क्लॉक जो उसकी है उस क्लॉक के ऊपर इसकी वैल्यू है वो बढ़ती चली जाएगी. जब इस CNT की वैल्यू की जो इक्वल हो जाएगी किसके ARR रजिस्टर के तो उस वक़्त जो है आपका वो वाला जो आपने बिट हाई की थी उसको वो लो कर देगा और एक अपडेट इवेंट भेजा जाएगा जो कि आपका स्टेटस रजिस्टर के ऊपर आपकी जो UIF बिट है उसको वन कर देगा. तो ये देख लेते हैं इसमें ये UIF किस चीज़ का एब्रीवेशन है ये कुछ किसी को आइडिया हो तो. UIF अपडेट इंटरप्ट फ्लैग. ये अपडेट इंटरप्ट फ्लैग है. तो वो जो है आपका UIF रजिस्टर जो है उसकी वैल्यू ये आपकी जो है ना ये इसको हाई कर देगा. सो TIM6 इज ड्रिवन बाय APB1 क्लॉक हुज फ्रीक्वेंसी डज नॉट हैव टू नेसेसरली मैच द प्रोसेसर फ्रीक्वेंसी. तो TIM6 की अपनी यानी कि एक फ्रीक्वेंसी है दैट मींस प्रोसेसर की फ्रीक्वेंसी पे वो नहीं चलता. तो ये APB1 क्लॉक जो है दैट इज APB1 क्लॉक कुड बी रनिंग फास्टर और स्लोअर. द डिफॉल्ट हाउएवर इज दैट बोथ APB1 एंड द प्रोसेसर क्लॉक क्लॉक्ड एट 8 MHz. तो ये APB1 जो है ये हमने कहाँ पढ़ा है पहले किसी को याद है. तो वो कह रहा है कि जो आपकी TIM6 है वो APB1 क्लॉक से चलती है ठीक है. वो आपकी जो है ना CPU की क्लॉक पे नहीं चलती लेकिन बाय डिफॉल्ट जो है इन दोनों की जो वैल्यू है APB1 की और जो आपकी प्रोसेसर की जो क्लॉक की स्पीड है फ्रीक्वेंसी है वो 8 MHz ही है. द टिक मेंशन्ड इन द फंक्शनल डिस्क्रिप्शन ऑफ वन ऑफ द वन पल्स मोड इज नॉट द सेम एज वन टिक ऑफ APB1 क्लॉक.
इनकी जो पल्स पल्स मोड भी जो है वो डिफरेंट है, जो पल्स आपकी जो चलती है। द सी एन टी रजिस्टर इंक्रीजेज द एट अ फ्रिक्वेंसी ऑफ ए पी बी वन डिवाइडेड बाई पी एस सी प्लस वन टाइम एज टाइम पर सेकेंड, वेयर ए पी बी वन इज द फ्रिक्वेंसी ऑफ ए पी बी वन क्लॉक एंड द पी एस सी इज द वैल्यू ऑफ प्री स्केल रजिस्टर पी एस सी। अब हम इसको देख लेते हैं नेक्स्ट। तो इसको इनिशियलाइज पहले करना है कि आर ये अच्छा आरसीसी के अंदर था ना ए पी बी वन ई एन आर रजिस्टर, तो वो आप हमने पहले देखा था मेरे ख्याल, कल में देखा, कल देखा था शायद। तो आरसीसी के अंदर जो है इसको मैं उसमें ले जाता हूँ यहाँ पे। ये वाला रजिस्टर है, ये वाला रजिस्टर है। तो इसकी जो आपकी आरसीसी रजिस्टर है, इसको कहते हैं आरसीसी रजिस्टर। आरसीसी को क्या कहते हैं, द फॉलोइंग टेबल रीसेट, ये आरसीसी रजिस्टर का रीसेट एंड क्लॉक कंट्रोल। रीसेट एंड क्लॉक कंट्रोल थी। तो इसका जो ये वाला आपका रजिस्टर है, इससे जो है वो टीम सिक्स आपके यहाँ पे आपको नज़र आएगा, ये टीम सिक्स एनेबल, ये मेरे ख्याल में ये वाला है, ठीक है। तो उससे जो है आपको पता चलेगा, ये देखें आपने ए पी बी वन ई एन आर रजिस्टर को जो है उसकी जो आपने टीम सिक्स ई एन को आपने एनेबल किया है और उसकी आपको उसमें बिट को आपने सेट किया है, तो ये आपका जो है ना इनिशियलाइज हो गया है आपका जो टाइमर है। अब इसको पढ़ लेते हैं कि पावरिंग पावरिंग अप द टाइमर इज इजी, वी जस्ट हैव टू सेट टीम सिक्स ई एन बिट टू वन, दिस बिट इज ए पी बी वन ई एन आर रजिस्टर ऑफ आर सी सी रजिस्टर क्लॉक रजिस्टर ब्लॉक। ये हो गया। द कॉन्फिग्रेशन पार्ट इज स्लाइटली मोर एलेबोरेट, फर्स्ट वी विल हैव टू कॉन्फिगर द टाइमर टू ऑपरेट इन वन पल्स मोड। अब वन पल्स मोड के अंदर हमने इसको पहले एनेबल करना है, तो ये वही जो हम पहले पढ़ रहे थे, इसके अंदर मैं इसको थोड़ा सा डुप्लीकेट कर लूँ यहाँ से। तो सी आर वन रजिस्टर का आपने यहाँ देखा था कि सी आर वन डॉट सी ई एन इज इक्वल टू वन, तो ये आपने यहाँ पे करना है सी आर वन डॉट राइट सेट बिट डॉट सी ई एन डॉट क्लियर बिट। अच्छा, इसमें ये किया है इसने कि वी विल हैव टू कॉन्फिगर द टाइमर टू ऑपरेट इन वन पल्स मोड, ये इम्पोर्टेंट है। ओ पी एम सेलेक्ट वन पल्स मोड, यानी कि ये जो ओ पी एम है आपका, आप जो यूज़ करेंगे ये वन पल्स मोड सेलेक्ट करेगा, और सी ई एन कीप द काउंटर डिसेबल्ड फॉर नाउ। अब हमने डिसेबल रखना है इसको, वो उसकी रीज़न क्या है ये कोई बता सकता है, इसकी रीज़न क्या है, हमने काउंटर को डिसेबल क्यों रखा हुआ है इस वक्त यहाँ पे। इसलिए कि जैसे ही आप काउंटर को इनेबल करेंगे ना, वो काउंटर टिक करना शुरू कर देगा। सो यू डोंट वांट कि अभी वो टिक करना शुरू करे। तो अच्छा जब हम अपनी सारी कॉन्फ़िगरेशन कर लेंगे ना, तो उसके बाद हम उसको सेट बिट करेंगे, यानी कि उसकी वैल्यू वन करेंगे, तो वो इनेबल होते ही काउंटर टिक करना शुरू कर देगा। और ये हम करेंगे डिले वाले फंक्शन के अंदर, ताकि उसी के अंदर वो स्टार्ट हो और काउंटर अप हो और पूरा आपका डिले जितना आप चाह रहे हैं वो अचीव हो जाए। अच्छा इसको फिर ना अभी इतना क्लियर नहीं हुआ, आप जो है ना जब हम प्रोग्राम को रन करेंगे ना तो उसमें ज़रा बताइएगा। ठीक, श्योर। देन वी विल लाइक टू हैव अ सी एन टी काउंटर ऑपरेट एट फ्रिक्वेंसी ऑफ 1 किलो हर्ट्ज़ बिकॉज आवर डिले फंक्शन टेक्स अ नंबर ऑफ मिली सेकेंड्स एज आर्ग्यूमेंट्स एंड 1 किलो हर्ट्ज़ प्रोड्यूसेस 1 मिली सेकेंड पीरियड।
तो हमारा क्योंकि हम 1 मिली सेकेंड्स में डिले चाह रहे हैं, तो हम इसकी फ्रिक्वेंसी को 1 किलो हर्ट्ज़ के ऊपर वो करेंगे, वी विल मतलब सेट करेंगे CNT को, काउंटर की फ्रिक्वेंसी को। तो उसके लिए ये आपके पास यहाँ पे जो आपने इसको कॉन्फ़िगर किया, TIM6.PSC और डॉट राइट प्री स्केलर, कॉन्फिगर द प्री स्केलर टू हैव द काउंटर ऑपरेट एट 1 किलो हर्ट्स। तो यहाँ से हमें कैसे पता चल रहा है कि ये 1 किलो हर्ट्स पे ऑपरेट कर रहा है इस वक्त, इस लाइन ऑफ कोड से। TIM6.PSC इधर इधर देखते हैं, द प्री स्केलर रजिस्टर, यहाँ पे हमने कहा था कि इसको हम करेंगे PSC PSC+1। द टिक मोड नहीं, वन मेंशन, किलो हर्ट्स पे वो ऑपरेट कर नहीं रहा। हमने उसको प्रोग्रामिंग ऐसे करनी है कि हम उसको 1 किलो हर्ट्स पे लेकर आए। 1 किलो हर्ट्स वुड मीन के 1 मिली सेकेंड एक टिक में वो अचीव कर रहा है ना। अच्छा ठीक है, तो अगर हम 1 किलो हर्ट्स पे यानी कि उसको इतना स्लो कर दें कि वो 1 मिली सेकेंड में एक टिक दे, तो हमारा जो मकसद है वो अचीव हो जाएगा। अच्छा ये कि इधर अगर हम देख, उसको लाइक 50 मिली सेकेंड का डिले देना चाहें तो हम उसके आर्गुमेंट्स में 50 देंगे और वो उतने टिक्स पे 50 मिलीसेकंड का ही एग्जैक्ट डिले देगा। अच्छा अगर इस ये मेरे ख्याल इधर से तो नहीं रिलेट होता। द टिक मेंशन इन द फंक्शनल डिस्क्रिप्शन ऑफ 1 पल्स मोड इज नॉट द सेम एज 1 टिक ऑफ द APB 1 क्लॉक। द CNT रजिस्टर हाँ, ये डिफरेंट है इंटीरियर ना। जी ठीक हाँ, ये डिफरेंट है ना। हर क्लॉक की अपनी वो होती है, स्पीड होती है। है। अच्छा ये जो है द CNT रजिस्टर इंक्रीज एट फ्रिक्वेंसी ऑफ APB 1 डॉट डिवाइडेड बाई PSC+1। तो ये यानी कि जैसे ये आपका APB 1 है 8 MHz, तो 8 में 8 यहाँ पे 8 आएगा मिसाल के तौर पे, और डिवाइडेड बाय PSC की जो फ्रिक्वेंसी है 8 मिलियन आएगा ना, जी 8 MHz या एट जी मिलियन में से अगर क्या किलो हर्ट्स निकालते हैं उसमें से, तो 8,000 आ जाएगा। जी जी 8000 किलो हर्ट्स ऐसे होगा ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ से इसकी जो ये देखें, ये जो CNT रजिस्टर की फ्रिक्वेंसी है इसके ऊपर इनकी यहाँ इस फैक्टर से इंक्रीज हो रही है। आप इधर अगर देखें तो ये हम CNT को तो नहीं डील कर रहे, हम तो कर रहे हैं PSC को। अच्छा तो ये अब ये देखें ना यहाँ पे नहीं, इसने प्री जी जी स्केलर की देखिए, आपको वो वैल्यू सेट करनी है कि जब हम उसको ऐसी वैल्यू सेट, ये देखें, ये इसने इसी को रेफर किया ना ठीक है, तो ये। 8,000 डिवाइडेड बाय x+1 हाँ, तो क्या हो जाएगी वैल्यू, ठीक है ना, 799, ये इसने सेवन इसी ट्रिपल नाइन इसने इसी को किया है ना। तो जी अगर बिल्कुल। ये देखें यहाँ पे आएगा 8 8 MHz, और नीचे आएगा, नीचे क्या आएगा देखिए ना, ऊपर आ गया 8 MHz या 8,000 किलो हर्ट्स। जी ठीक है, जी जी तो 8,000 डिवाइडेड बाय 8,000 होगा तो आंसर 1 आएगा ना। बिल्कुल ऐसे ही ठीक है, होगा तो नीचे 8,000 आप पुट करें और ये 1 जो प्लस हो रहा है 8,000 में से 1 माइनस करें, तो प्री स्केलर की वैल्यू 799 आ गई। आप ऐसे कह रही हैं ना, ये मैं कैलकुलेटर निकालता हूँ। अब ऐसे होगा कि 8000 डिवाइडेड बाय 8000+1 799, नहीं 799+1 करेंगे तो 8,000 आएगा ना। अच्छा तो आपने जो PSC की फ्रिक्वेंसी रखनी है वो आपने 799 रखनी है वो ऐसे हमने, हाँ ना ऐसे। जाए। अच्छा ये टाइम अब ख़त्म हो रहा है, 10 मिनट रह गए हैं, तो जैसे ही टाइम ख़त्म हो तो आप ना फिर फौरन ना रीजॉइन मैं कर एनेबल लेंगे। कर दूंगा, फिर आप ज्वाइन कर लीजिएगा ठीक है। तो ये ठीक है। अच्छा ये अब इसकी थोड़ी सी क्लेरिफिकेशन हो गई। तो आप PSC की जो फ्रिक्वेंसी है उसको अकॉर्डिंगली जो है 7999 रखेंगे तो फिर आपको आपके पास 1 किलो हर्ट्ज़ मिलेगा, ऐसे है ठीक है। तो हम आगे चलते हैं फिर। द टाइमर शुड नाउ बी प्रॉपरली इनिशलाइज्ड, ऑल द लेफ्ट इज टू इम्प्लीमेंट द डिले फंक्शन यूजिंग द टाइमर। फर्स्ट वी विल हैव टू
do is set the auto loader register to make the timer go off in ms milliseconds. फर्ज किया हमने 50 मिलीसेकंड हमने उसका टाइमर दिया है, तो 50 मिलीसेकंड के बाद वो ऑटो लोडर रजिस्टर जो है वो क्या करे, उस ऑफ कर दे उस टाइमर को, बिकॉज काउंटर ऑपरेट्स. देखें अभी तक हमने जो काम किया है ना, अभी बेशक थ्योरेटिकली ही किया है, लेकिन उससे हम क्या, हमने क्या कर दिया है कि हम टीम 6 की जो टिकिंग कैपेसिटी है ना, हम उसको डाउन टू ले आए हैं 1 मिलीसेकंड. ठीक है, तो अब आप मिलीसेकंड, जितने मिलीसेकंड आप दोगे उतने ही मिलीसेकंड तक एक, मतलब उतने मिलीसेकंड के बाद एक टिक होगा, यानी कि अब वो, अब आप उसको 1 मिलीसेकंड तक ले आए ना, अब आप जितनी वैल्यू देंगे, लाइक 50 दी है या 100 मिलीसेकंड का डिले देना है, वो आप उसके आर्ग्यूमेंट्स में भेजेंगे तो उतने मिलीसेकंड का डिले आपको अचीव हो जाएगा, तो जो ARR की वैल्यू आप सेट करेंगे. मतलब जो ओरिजिनल उसकी स्पीड थी वो 8 मेगाहर्ट्ज़ थी, तो उसकी फ्रीक्वेंसी 8 मेगाहर्ट्ज़ थी, तो दैट मींस उसके वो माइक्रोसेकंड में जा रहा था कहीं. जी जी बिल्कुल बिल्कुल. इनिशियली यानी कि अगर आपको पता है ना, हाँ, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/T, तो अगर 1/8000 हो, था ना उसका टिकिंग टिकिंग कैपेसिटी, 1, 2, 3, 4, 5, ये आपके जो है ना, यानी कि सेकंड्स हो रहे हो इस तरीके से, या आप यूं समझें कि ये इतने टिक्स हो रहे थे 1 सेकंड में, इतने सेकंड में एक टिक हो रहा था, इतने सेकंड में एक टिक हो नहीं, नहीं, 1 सेकंड में इतने टिक्स हो रहे थे. सॉरी क्या कह रहे हैं? नहीं, मैंने अभी इसकी फ्रीक्वेंसी को डिवाइड 1/f किया. हाँ, बिल्कुल 1/f किया है, तो एक टिक 0.00001 में हो रहा था, सेकंड्स का था. बिल्कुल, एक टिक आपका 0.00001 में हो रहा था, या आप इसे इसके कह सकती हैं कि अचीव हो रहा था 1, 2, 3, 4, 5, 6 0.125 माइक्रोसेकंड चल रहा था. ठीक है, बिल्कुल. ये इसका हम अब उसको, हमने स्लो करके हम उसको 1 मिलीसेकंड तक हम ले आए हैं. ठीक है, हम उसको 1 मिलीसेकंड पे ले आए हैं. मींस कि आपकी जो क्लॉक स्पीड है वो आपकी माइक्रो कंट्रोलर की भी 8 मेगाहर्ट्ज़ है, और जो आपका ये जो रजिस्टर हमने अभी देखा था, इसका नाम क्या है, ये APB क्लॉक. नहीं नहीं माइक्रोस आई थिंक प्रोसेसर की स्पीड से हमें गर्जी ना, उसको हम स्लो कर सकते हैं, हम अपने टाइमर की स्पीड को. द डिफॉल्ट हाउवर इज दैट द APB 1 एंड द प्रोसेसर आर क्लॉक्ड एट 8 मेगाहर्ट्ज़, तो दोनों ही उसी तरीके से चल रहे हैं. ठीक है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि उसकी फ्रिक्वेंसी मैच करें. ठीक है, यानी कि हो सकता है कि APB 1 की क्लॉक ज़रूरी नहीं है फास्टर या स्लोअर चल रही हो ना प्रोसेसर से, लेकिन लेकिन दोनों ही क्लॉक 8 मेगाहर्ट्ज़ पे ही होते हैं, ये बात डिफॉल्ट में. तो ये हो गया. अब इसमें हमने देखना कि अच्छा, इसके अंदर फिर हमने क्या करना है कि ARR जो ऑटो रीलोड रजिस्टर जो है उसको हमने, वो हमने जब टाइमर जब हमारा क्रॉस कर जाएगा लिमिट 50 मिलीसेकंड की, तो हमने उसको ऑफ कराना है. ठीक है, बिकॉज द काउंटर ऑपरेट्स एट 1 kHz, द ऑटो रीलोड वैल्यू विल बी सेम एज will be the same as MS. तो इसकी 1 kHz पे ऑपरेट कर रहा है ये ARR. ये हमने पीछे पढ़ा है ARR. अभी तो किया, अभी हम तो टाइमर की वो लेकर आए हैं ना डाउन. ARR का तो हमने नहीं पढ़ा. नहीं, ARR तो अब आप करेंगे ना, जब आप पहले काउंटर, सॉरी टाइमर की टिक को आपने स्लो कर दिया. यहाँ हमने अब आप ARR की वैल्यू, ARR का बताया नहीं ना यहाँ, या तो फिर डॉक्यूमेंटेशन में बताया होगा. क्यों नहीं बताया, अभी पढ़ा तो है ना आपने. अच्छा, ये आपने पढ़ा है, ये देखिए, ये जो है किस वाले पे, ये इसी पे रखें, ये ऊपर ही था, ये थ्योरी जो ये बता रहा था ना कि हमने करना क्या है, पीछे वाले पे जाए ना, जो पॉइंट्स लिखे हुए थे ना रजिस्टर्स के नामों के जी, नीचे. जी जी सर, पिछले पेज पे. जी जी पिछले पेज पे, ये यहाँ पे आप ठहरे जरा. अच्छा ठीक है, थोड़ा सा शायद स्लो होगा. ये देखे ना, ये लास्ट पॉइंट पढ़े, वंस द काउंट रजिस्टर हैज रीच द वैल्यू ऑफ द ARR रजिस्टर, यानी कि उसको टिक करते करते AR की जो वैल्यू होती है वहां तक पहुंचना है. तो अब चूंकि हम काउंटर को, काउंटर चलता है टीम 6 की क्लॉक से, टीम 6 के अंदर है ना काउंटर, तो वो जाहिर बात है टीम 6 की स्पीड से चलेगा. ठीक है, तो हर टिक पे वो एक दफा इंक्रीमेंट होता है. ठीक है, और जब उसकी वैल्यू पहुंच जाती है, जितने टिक्स पहुंच जाते हैं ARR की वैल्यू के जितने के उसके बराबर,
तो तब वो जीरो पे वापस पहुंच जाता है। तो ए आर आर के ठीक है, हम तो अगर हम ए आर आर की वैल्यू वैल्यू अगर 50 सेट करेंगे तो वो 50 टाइम्स टिक करके वापस आएगा, दैट मीन्स कि 50 मिलीसेकंड अचीव हो गए। ठीक है ना, तो जितनी भी रैंडम आपको 10 मिलीसेकंड का चाहिए, जो मर्जी चाहिए चाहिए, वो आप एमएस के वेरिएबल में भेजेंगे और एआरआर के अंदर आपने जो है ना उसकी वैल्यू सेट कर देनी है उतने एमएस। अच्छा, अब यानी कि एआरआर जो है वो भी उसकी क्लॉक भी 1 मिलीसेकंड के ऊपर चल रही है, यानी कि नहीं, नहीं, 1 किलो हर्ट्ज है ना। वो क्लॉक नहीं, वो दैट इज सिंपल अ रजिस्टर, उसने कुछ नहीं करना। नहीं अच्छा नहीं नहीं एआरआर कोई काउंटर तो नहीं है ना, नहीं, एआरआर ये किस अंदर, वो दैट इज अच्छा फर्स्ट थिंग सिंपल अ विल, रजिस्टर जिसकी वैल्यू अचीव करनी है काउंटर ने। ठीक है सही है। तो वो लिमिट लिमिट सेट कर रहा है ना कि एआरआर में कहीं 50 टाइम्स जो है करने के बाद रेक इंक्रीज। मेरे ख्याल में डाउन, ये अभी मीटिंग भी एंड हो जाएगी, देखिएगा जरा। अच्छा, फर्स्ट थिंग वी हैव टू डू इज टू सेट द ऑटो लोड रजिस्टर टू मेक द टाइमर गो ऑफ इन एमएस मिलीसेकंड्स, बिकॉज द काउंटर ऑपरेट्स एट 1 किलो हर्ट्ज, द ऑटो रीलोड वैल्यू विल बी सेम एज द एमएस। अच्छा, यानी कि उन दोनों को हमने सेम रखना है। अगर हम 50 मिलीसेकंड का चाह रहे हैं तो ऑटो लोड रजिस्टर को हमने 50 वैल्यू देनी है, और 10 तक सेट करना, तो 10 भेजेंगे, मतलब जो भी आप जो भी। ठीक है फंक्शन ठीक के आर्ग्यूमेंट में वैल्यू भेजेंगे ना है ठीक एमएस है के तौर पे, ठीक है ठीक है ठीक। वो हमने एआर पे सेट कर तो देंगे। team6.arr.write.wrar, वही हो गया, बिट्स एमएस में हमने उसको राइट कर दिया जैसे आपने कहा था। राइट करना, एग्जैक्टली। अच्छा, और ये क्यों करना है, वही लेकिन बात ये team6 को कि क्यों, हमें पता है थ्योरेटिकली। यहाँ team6 को क्यों यूज किया इधर? ये तो एआरआर के ऊपर राइट कर क्योंकि रहे हैं टीम हम। सिक्स का ही, नहीं, टीम सिक्स का ही आगे से रजिस्टर है ना, टीम सिक्स एक रजिस्टर ब्लॉक है। और अच्छा अभी अभी तो आपने पीछे पढ़े कि वो जो है इसके कौन कौन से रजिस्टर्स को हम एक्सेस कर रहे होंगे इस प्रोग्रामिंग के अच्छा लिए, एसआर स्टेटस रजिस्टर, एआरआर ऑटो रीलोड रजिस्टर, सीएनटी काउंटर, सीआर कंट्रोल रजिस्टर। ठीक है, ये चार पांच ऊपर अभी आपने पढ़े थे ना पिछले उस पे, जी, ठीक है ना, वो ये पिछले पेज से आपने पढ़े थे, तो ये हम इनको यूज करें, तो ये टीम सिक्स का ही रजिस्टर है एआरआर। सही। ठीक है, टीम सिक्स इज लाइक अ रजिस्टर ब्लॉक, यानी कि कलेक्शन ऑफ रजिस्टर्स, अच्छा तो जिनमें से एक जो है वो एआरआर है। ठीक है, तो team6 के ही यानी कि ये रजिस्टर है, CR1 भी ARR भी, हम वही पीछे ये वाले, यस यस बिल्कुल बिल्कुल ये वाले। ठीक है ठीक है ठीक है, तो एग्जैक्टली ये उसी ये के देखे ना रजिस्टर ऊपर है, दिए उसी हुए के। ना, ठीक, ये इसमें और भी होते हैं लेकिन इस प्रोग्रामिंग के लिए हम जो है ना इन चार पांच को हम एक्सेस समझ गया समझ गया। कर रहे तो होते हैं। नेक्स्ट वी ईजीआर नीड, खैर इसमें यूज नहीं होगा, एम यहाँ पे इसने लिख दिया इस प्रोग्रामिंग में ईजीआर नहीं यूज हो रहा एटलीस्ट। ठीक है, नेक्स्ट वी नीड टू एनेबल द काउंटर, इट विल इमीडिएटली स्टार्ट काउंटिंग। अब यहाँ पे हमने उसको जो है उसी को जहाँ पे हमने उसको हॉल्ट किया हुआ था, हमने इसको अब यानी